जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है, ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना। आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टोंट ही आप कस रहे थे कि शिवजी ने कहा डरो मत। भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहाँ पे लहरा रहे, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए, जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला। देखिए राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं जितने भी हमारे भगवान हैं सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है, ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान उन्होंने सब सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गीला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते, तो ये उनका गीला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गीला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मैं मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने, आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंटआउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख रख के और उनको उछाल उछाल कर जो वो है भगवान हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना। आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टोंट ही आप कस रहे थे कि शिवजी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, बार बार ये कहना कि शिवजी ने कहा, शिवजी ने कहा, बार बार उस तस्वीर को। भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। आप कीजिए ना, आप पॉलिटिकल, आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुँचाना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे खुद उस वक्त, भाई मैं किससे छुपा है कि मैं हूं शिव भक्त। आप इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहां पे लहरा रहे, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए, जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला। भाई आस्था को ठेस पहुंचाता है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, स्पीकर साहब किसके सामने झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, ये किस तरीके से राजनीतिक मर्यादा का परिचय है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज मुझे नहीं पता कि राहुल जी को पता है कि नहीं कि एलओपी की क्या मर्यादाएं होती हैं, बट जिस तरीके से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए गए, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे टीका टिप्पणी की गई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, अलग अलग विषयों पे बिना किसी तथ्यों के इन तमाम बातों को करना, मुझे नहीं लगता कि एक एलओपी की मर्यादा के तहत आता है और लोकतंत्र की मर्यादा के तो कतई ये पूरी तरीके से ये उसके विरुद्ध है।